हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आज आपको बताऊंगा बैंक वर्सेस फाइनेंस कंपनी का जॉब में किस में ज़्यादा कमाई है, किस में ज़्यादा अच्छा है, कि कौन सा जॉब बेटर है जिससे आप अपने करियर का डिसीजन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक जॉब, ये दोनों जॉब, फाइनेंस कंपनी जॉब ग्रेजुएशन मांगता है। आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, कोई मतलब नहीं है। बैंक को भी आप बिजनेस चाहिए और फाइनेंस कंपनी को भी बिजनेस चाहिए, तो दोनों में आप सूटेबल हो, आप दोनों में आप काम कर सकते हो। बस आपके में स्किल होना चाहिए और स्किल मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। बैंक जॉब भी मार्केटिंग मांगता है, फाइनेंस जॉब भी मार्केटिंग मांगता है। आपका क्वालिफिकेशन 12th के बाद से लेके एनी ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं, कोई बड़ा MBA नहीं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक कोई भी आपका नहीं लेती, आपका सिर्फ आपका मार्केटिंग स्किल देखती है। जॉब पे तो ले लेती है, लेकिन आप अगर वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में काम कीजिए, क्योंकि कस्टमर हो आप। आजकल इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो बॉम्बे दिल्ली दिल्ली के हैं, मैं UP बिहार छोटे बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हिंद लोग हिंदी में बात करते हैं। तो आप लोग सूटेबल जॉब रहेगा बैंक का जॉब, एनी क्वालिफिकेशन किया आपने ग्रेजुएट में, तो बैंक में जॉब आप ट्राई कर सकते हैं। आपका जॉब 100% लगेगा और जॉब लगाने की गारंटी मेरी है। तो बैंक जॉब में गलती क्या नहीं करना है, देखिए बैंक जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो सूटेबल कपड़ा पहने, क्लीन शेव रखें, इंग्लिश कुछ आती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, तो आपको बैंक में जॉब मिल जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर को फ़ोन करना है, कस्टमर से डील करना है, बस आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। आप थोड़े फास्ट होना चाहिए, अगर आप में स्लो पर हैं तो नहीं चल पाएगा। नए आपको अकाउंट बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बता दूँगा नए अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो ये हो गया बैंक जॉब, आपने एक नया अकाउंट बनाना है, कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर को रिस्पॉन्स देना है बैंक, और बैंक के प्रति कस्टमर की सेवाएँ जो होती हैं वो बैंक में देनी पड़ती हैं आपको। इसमें जो सैलरी रहेगी वो कुल मिला के आपको 1 तारीख को 15,000 से 20,000 रुपये आपको 20,000 मिल जाएगा, प्लस इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप मेहनत अच्छा करते हैं तो काफ़ी आगे तक ग्रोथ कर सकते हैं। वही फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ तो सेम है, फाइनेंस कंपनी भी एनी ग्रेजुएट को लेती है, हिंदी मांगती है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट होते हैं वो कार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो फाइनेंस कंपनी भी बेसिक इंग्लिश होना चाहिए आपको, कि आना चाहिए कि आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आना चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो आपके कस्टमर रहेंगे, जिनसे आपका बिजनेस होगा, वो आपका हिंदी वाले कस्टमर से ही होगा, जैसे आपका लैंग्वेज होगा आपका। जैसे उत्तर बिहार में हिंदी, बाकी नॉर्थ साइड में इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो मैं उत्तर बिहार की बात करता हूँ, उत्तर इंडिया की बात करता हूँ, तो आपको हिंदी नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर को आपको कन्विंस करना आना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट आपको बैंक ने भेजा कि आप ये प्रोडक्ट बेचिए, तो आपको वो बेचना आना चाहिए कस्टमर को। और फाइनेंस लाइन में भी जो कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट आपको बेचना आना चाहिए। दोनों में हिंदी लगती है, दोनों में आपका स्किल लगता है, दोनों में आपकी क्वालिटी लगती है, और दोनों में एक ही जॉब है, दोनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आप अगर बैंक में लग गए, आप अगर फाइनेंस कंपनी में लग गए, और आप में स्किल्स है कि आप जल्दी बात करें, फटाफट काम करें और हाजिर जवाब रहें, तो आपका क्लाइंट आपको बैंक में भी आपको मिल जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, और फाइनेंस लाइन में भी आपकी फाइनेंस की केसेस मिल जाएंगे आपको। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, जॉब के प्रति कोई भी आपको मिस काम नहीं करना है। आपका जो भी ऑफिस जॉब है वो आप टाइम पर जाएंगे, हो सके तो आप लेट आएंगे, अपना पूरा काम जितना डेडिकेट आप बैंक में करेंगे उतने आपको कस्टमर मिलेंगे। वैसे ही फाइनेंस लाइन में भी जितना भी आप डेडिकेटेड रहेंगे, काम करेंगे, उतने ही आपको फाइनेंस लाइन में जॉब मिल जाएगा। देखिए, आप अगर आप काम चोरी करते हैं तो क्या होता है, अगर आप बैंक में भी हैं या फाइनेंस कंपनी में हैं, ऑफिस नहीं जाते, आप अपने
जहाँ कस्टमर का शेड्यूल होता है वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो आप दोस्तों के साथ टाइम बिता देते हैं या फिर कुछ और काम कर लेते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर नहीं मिलते। आप कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पर हर जगह जाइए, आपको वहाँ पर काम मिले ना मिले, बैंक वाले में भी आपको क्लाइंट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 बार जाओगे क्लाइंट नहीं मिलेगा, लेकिन 16 बार में आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट होगा। जब एक क्लाइंट मिलना स्टार्ट होगा तो उसी क्लाइंट की बदौलत आपका 10 क्लाइंट और मिलेंगे, 10 से 50, 100, 100 मिलेंगे आपको। तो समझ गए होंगे आपको कि हर जगह जाना है बैंक के जो आपको समझाएंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे करो, तो फील्ड पे जाना है आपको और आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। भले आपको केसेस नहीं मिल रहे हैं, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन में आपको एक केस मिलेगा, लेकिन वो एक केस आपको 100 केस देगा और आपको बैंक में सेटल कर देगा। आपको वही फाइनेंस कंपनी में भी होता है कि आप डीलरशिप पॉइंट जाइए, आप ऑफिस में ज़्यादा बैठिए अगर फाइनेंस कंपनी में है तो, क्योंकि क्लाइंट ऑफिस में ज़्यादा आते हैं, फील्ड में ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं, तो ऑफिस में ज़्यादा बैठिए, ऑफिस में ज़्यादा टाइम दिए। संडे को अगर छुट्टी भी है तो भी आप बैंक का तो काम बंद हो जाता है, लेकिन फाइनेंस कंपनी खुली रहती है, आप चाबी लेके बैठ सकते हैं, क्लाइंट कभी भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है तो आपको कभी भी केसेस प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिस दिन ऑफिस आपका बंद रहेगा उसी दिन आपके क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे आपको। याद रखिए, आपके सब कलीग रहेंगे, लोग रहेंगे, वो छुट्टी पर जाएंगे, वो घर में ऐश मैश मस्ती करते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको वो छुट्टी के दिन ही आपको ऑफिस जाना है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहेगा आपके सिवा, सिर्फ आप रहेंगे, आपको फील्ड पर भी नहीं निकलना है। आप वहाँ पर छुट्टी के दिन भी अगर काम करेंगे तो आपको 4 से 5 क्लाइंट अगर नहीं मिल गए तो मेरा नाम बोल देना। मेरा सर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे हर केस मेरे को संडे को मिले हैं या शनिवार के खिलाफ आफ्टर बाद, मेरे वीक मेरे वर्किंग डेज में मुझे क्लाइंट नहीं मिले हैं। मुझे क्लाइंट भी संडे एंडे जब ऑफिस बंद रहता है तभी क्लाइंट आता है। हमेशा बोलते हैं, बोला जाता है कि ना जहाँ रहा ना वहीं चाह होती है। तो आपको भी वही काम करना है कि जब ऑफिस चले तो चले ठीक है, लेकिन ऑफिस जिन बंद है उस दिन आपको ऑफिस अनुमति देती है कि काम करो, ऑफिस को प्रॉफिट से मतलब है। तो आप बैठेंगे तो आपको वहाँ पर क्लाइंट मिलेंगे। बैंक में तो खैर बंद रहेगा, अगर एक बीएम से बात करके आप चालू कर सकते हैं तो आप चालू कर सकते हैं, बैंक का रूल अलग होता है। या फिर लेकिन बैंक में भी रहें तो फील्ड पर रहिए, छुट्टी मत कीजिए। छुट्टी आपको बहुत बहुत में मिलेगी, आपको आराम से मिलेगी, बहुत पैसा कमाने के बाद मिलेगी। एक बार आपके क्लाइंट बन गए, आपके 10 क्लाइंट बन गए, आपके मतलब 100 क्लाइंट बन गए, 100 क्लाइंट बन गए, आपके 1000 क्लाइंट बन गए, सेम बैंक और इसमें है। कमाई की बात करूं तो जितना आप कंपनी को ला के देंगे प्रॉफिट, कंपनी आपको उतना इंसेंटिव रूप, सैलरी तो रहेगी, उतना आपको इंसेंटिव के रूप में आपको ला के देगी कंपनी, और आपको डेडिकेटेड रहेंगे आप देखते हैं, आपको काम देखेंगे कि आप रेगुलर काम करते हैं, छुट्टी दिन भी काम करते हैं, तो इंक्रीमेंट के साथ में आपको पदोन्नति या फिर आपको विकास देगी या फिर आपको हेड बनाएगी। आपको अगर आप जूनियर हैं तो सीनियर बनाएगी, सीनियर हैं तो आपको एक टीम लीडर बनाएगी, उससे सैलरी भी बढ़ेगी, इंसेंटिव बढ़ेगा, आपका काम भी अच्छा होगा। तो दोनों में कंसिस्टेंसी चाहिए, दोनों में वो चाहिए। जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन सबसे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं। आपको छुट्टी नहीं देने देखना है कम से कम 1 साल तक। 1 साल के बाद आपके पास क्लाइंट बन जाएंगे आपके पास में, उसके बाद आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑफिस में जाएंगे, आपके फ़ोन की घंटी बजेगी, मुझे ये फाइनेंस करना है। आप बस बैंक में हैं तो ऑफिस में घंटी बजेगी कि मुझे ये आदमी का अकाउंट खुलाना है। आपको बैठे बिठाए जॉब और क्लाइंट मिलेंगे। सिर्फ 1 साल आपको बस छुट्टी नहीं करना है, 1 साल सिर्फ मेहनत करना है, सारी चीज़ों को भूल जाना है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कमाई दोनों में है, लेकिन मैं अगर बात करूँ बहुत ज़्यादा कमाई तो आपको फाइनेंस कंपनी में ही मिलेगी, लेकिन फाइनेंस कंपनी में आपको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगा। आप एक डिसेंट वर्क करना चाहते हैं तो बैंक में जॉब कीजिए, 9 to 5 का वर्क होता है, इज्जत भी मिलेगी, फाइनेंस में भी इज्जत मिलती है, लेकिन आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन बैंक में आपको सुटेबल जॉब रहेगा। मैं जो बताया उसको फॉलो करोगे तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। फाइनेंस कंपनी में आपको भागना पड़ेगा,
प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक से बाद जब मिलेगा रिजल्ट तो आपको आपको टीम लीडर या फिर आपको पैसे तो बहुत दबा के मिलेंगे, लेकिन आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आपको आपको प्रमोशन होगा। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी, टाइम टू टाइम छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, एक साल बस आप ये काम कीजिएगा। बैंक और फाइनेंस कंपनी का दोनों के ग्राहक सेम ही होते हैं लगभग, दोनों फाइनेंस लेने आते हैं, दोनों को प्रोडक्ट सेल करना होता है, दोनों को सेल करना पड़ता है। तो जब आप हाजिर रहेंगे वहाँ पर तो आप ही कर पाएंगे। तो ये बहुत सीक्रेट की सीक्रेट बात है कि जब ऑफिस बंद रहे या आपको अनुमति नहीं दी थी तो ऑफिस के बाहर खड़े रहिए। फाइनेंस कंपनी मुझे अलाउ करता है कि आप संडे शनिवार को आप जितने देर तक काम कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं। बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक बंद है तो बंद है, लेकिन फिर भी आप बैंक में एक्टिव रहिए, कस्टमर से मिलिए, फ़ोन कीजिए, बैंक बंद है तो उनसे मिलने जाइए, फोकट के मिलने जाइए लेकिन मिलने जाइए। आपको केसेस और मिलेंगे, आपका मेहनत दिखेगा, आपको प्रमोशन, पैसा, इफरात आएगा आपके पास में। ये मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत पैसे कमाया है, फाइनेंस लाइन में भी बहुत पैसे कमाया है और इन रूलों को करते हुए फैलाया है। मैंने कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी, शराब सिगरेट ये सब दूर रखिए, सब पीना है, लेकिन टाइम होने के बाद आप लेट पीजिए, 10-11 बजे पीजिए, सुबह जल्दी उठिए। आपको सब कुछ करना है, आपको कोई मैं नहीं ये नहीं बोलता कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको लड़की नहीं बटाना है, लेकिन एक टाइम टेबल लेवल पर आप ये सब करेंगे वो ठीक रहेगा। काम के समय सिर्फ काम, एक्स्ट्रा आपको अगर वर्क मिलता है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रिंक भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने जॉब को दीजिए। जब जॉब रहेगी, अच्छी कमाई होगी, तो ये चारों सब कुछ चलकर आपके पास आएगा और आपके पास प्रोग्रेस और ये दोनों सब रहेगा। तो समझ गए होंगे दोनों पैसा दोनों में है, पैसा कमाने का टेक्निक होता है। मैंने भी बहुत पैसा कमाया है, बस मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा है, मैंने भी अपनी लाइफ में संडे को छुट्टी नहीं की है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं जूनियर सेल्स से ज्वाइन किया था और मैं CM बना था, CM मतलब क्रेडिट मैनेजर बना था, और मेरी तनख्वाह उनका सब बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा यही था कि मैंने बहुत सी चीज़ों का त्याग किया और इतने लेवल पर पहुँचा। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक वर्सेस जॉब में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं प्रेफरेंस करूँगा फाइनेंस लाइन में जाइए। फाइनेंस लाइन में बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपको, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करने का छूट दिया जाएगा। बैंक में काम करने की छूट आपको नहीं मिलेगी, आपको टाइम टाइम काम करने का, उसमें भी आप काम कर सकते हैं लेकिन टाइम टू टाइम, लेकिन फाइनेंस लाइन में आपको कोई छूट, एकदम छूट, आप संडे मंडे होली के दिन दिवाली के दिन आप कभी भी काम कर सकते हैं, कभी भी। क्लाइंट को हल्का मत समझिए, क्लाइंट जब बुलाए जहाँ बुलाए आप जाइए, फाइल हो ना हो लेकिन आपको वहाँ से दो टुक फ़ायदा ज़रूर होगा, या तो क्लाइंट मिलेगा या कुछ नॉलेज मिल के आएगा, या फिर नए क्लाइंट का फ़ोन नंबर मिलेगा। वो अगर आपको बुला रहा है कोई भी क्लाइंट, या मैं फाइनेंस करने वाला हूँ, बोले वो आप बोला नहीं है मैं अब फाइनेंस नहीं करना चाहता, तो वहीं पर आपको ऑटोमेटिक ये जो होता है ना कि आपको एक मिल जाएगा कि हाँ वो फाइनेंस करने वाला है, उसको गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पर आपको क्लाइंट मिल जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, विश्वास के साथ काम करिए, जगह जगह जाइए। आपको अगर क्लाइंट बुला रहा है तो वहाँ जाइए, वो अगर फाइल नहीं देगा आपको, वो अगर केस नहीं देगा तो वहीं से आपको दूसरा केस मिल जाएगा और आपका रेगुलर से चलते रहेगा और आप दिन ब दिन सक्सेस करते जाएंगे। एक साल मेरी बात तो मानिए, उसके बाद आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपको ये सब चीज़ खेल लगेगा, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ केसेस आपके हाथ में आने लग जाएंगे, आपका फ़ोन नंबर सर्कुलेट हो जाएगा ना, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा केसेस मिलते रहेंगे और बहुत केसेस मिलेंगे और आप दिन ब दिन सक्सेस होते जाएंगे। और मेरी बात मान लीजिए, और मुझसे कुछ पर्सनल आपको हेल्प चाहिए, केसेस नहीं मिल रहे हैं, केसेस कैसे करने हैं, तो 7204945416 मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉल करके अपना पर्सनली मेरे गाइडेंस ले सकते हैं। आपका अगर इंटरव्यू है तो मैंने अभी कभी कभी 50 लोगों का जॉब लगाया है, जो मैंने पर्सनल इंटरव्यू था तो उन्होंने बोला सर मेरे को गाइड चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या आपसे आपको जवाब देना है, उन्होंने वही किया और उन 50-60 लोगों को जॉब लगा। आज मैंने कमेंट बॉक्स में वो
कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा जॉब लगा, मैं तो डी में मोटिवेट हो चुका था। तो एक जो आदमी जो सक्सेस हो चुका है उसकी बात सुनिए, बाकी की बात मत सुनिए। आपको लाइन में सक्सेस होगा, अभी आप छोटे हैं मोटे हैं, लेकिन मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात गौर करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। यकीन मानिए, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना के रहूँगा, जिससे मैं आप मंथली इनकम 50 से 60 हज़ार कमा सकते हैं, प्लस इंक्रीमेंट हो गया आपका, आप ब्रांच हेड बन गए, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। आपको बस मेहनत करना है और मेरी बताए बातों में चलना है। मैं मेरी बातें शायद आपको बेकार लगे, लेकिन यही सत्य है और यही होता आया है। पर्सनल चाहिए तो आप में से कुछ भी हेल्प होगा तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्लाइंट मिलेंगे, क्या कैसे करना है, तो आपका प्रोग्रेस होगा। बैंक और वर्सेस फाइनेंस जॉब दोनों बेटर है, बस आपको मेहनत करना आना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।